ये देखिए, लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी कचौड़ी। हाँ, और ये हमने बनाई है बिना मैदा के। जी हाँ, आप इन कचौड़ी को बनाएंगे कोटा की कचौड़ी भूल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रसोई दिल से। मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं कचौड़ी, जी हाँ, वो भी विदाउट मैदा आटे से। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो जो सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी वो हमने लेके रखी हुई है। ये देखिए, मैंने लिया हुआ है आटा। जी हाँ, ये होल व्हीट आटा है जिसकी हम रोटी बनाते हैं। हम इसमें कोई भी मैदा का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद मैंने ये लिया हुआ है घी। ये अगर हम स्पून से नापे तो ये 3 स्पून हमारा घी है। इसके बाद मैंने 2 से 3 ग्रीन चिली हरी मिर्च को काट लिया है। आप मिर्च को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये लिया है ग्राम फ्लोर, बेसन 1 कटोरी भर के मैंने बेसन लिया हुआ है। ये ली है मैंने उड़द की दाल। आप मूंग की दाल का यूज़ भी कर सकते हैं। इसे मैंने 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था जिससे वो जस्ट डबल हो गई है। ये कुछ स्पाइसेस हैं, मसाले जिनको ज़रूर है डालना इसमें। हल्दी, धना पाउडर, रेड चिली पाउडर। इसके बाद मैंने लिया हुआ है क्यूमिन सीड, जीरा, हींग, खड़ा धना। इसके बाद लिया हुआ है मैंने ये चाट मसाला, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर। जी हाँ, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डो रेडी कर लेंगे। आटा, इसमें आटे में मैंने डाला हुआ है सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ मैंने डाल दिया है जो मैंने घी लिया हुआ था, घी डाल दिया है। घी डालना इसमें बहुत ज़रूरी रहता है जिससे कि हमारे यहाँ जो कचौड़ी है वो खस्ता बनती है। इसका हम अच्छी तरह से आटा बना लेंगे। आटा हमें ना ज़्यादा सख्त लगाना है ना ही ज़्यादा नरम लगाना है। जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, हमें सेम उसी कंसिस्टेंसी का आटा लगाना है। और आटे में हम धीरे धीरे करके पानी डालते जाएंगे, और पानी डालने के साथ में आटे को आटा लगाना तो आप सभी जानते हैं। हम धीरे धीरे पानी का यूज़ करते जाएंगे और आटे को लगा लेंगे। हमने अच्छे से आटा लगा लिया। ये देखिए, हमारा आटा है जो वाइंडिंग कंडीशन में आ गया है, और अब हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से लगा लेंगे। ये देखिए, आटा लगभग मेरा लग के रेडी हो चुका है। अच्छे से उसे मसल मसल के, मीड़ मीड़ के हम आटे को लगा लेंगे। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रह जाएं आटे की। ये देखिए, हमारा आटा लगभग लग के तैयार है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, इसी कंसिस्टेंसी का आपको आटा लगाना है। ऑलमोस्ट हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है। ये हमने डो को पहले इसलिए लगा लिया है जिससे कि जब तक हम कचौड़ी के मसाले की प्रिपरेशन करेंगे तब तक जो हमारा आटा है वो अच्छे से रेस्ट कर लेगा, जिससे कि जो हमारी कचौड़ियाँ वो काफ़ी अच्छी खस्ता बनेंगी। ये देखिए, मेरा जो डो है वो रेडी हो चुका है। उसे मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया। यहाँ मैंने ली हुई है एक कढ़ाई, उसमें डाल दिया है मैंने ऑयल। ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है क्योंकि जो मेरा अंदर का मिक्सचर बनेगा कचौड़ी का वो थोड़ा ज़्यादा है। इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे जीरे। जैसे ही तेल गर्म हो गया है मैंने डाले हैं जीरे। जीरे छिटकने स्टार्ट हो गए, मैंने डाला इसमें थोड़ा सा खड़ा धना। खड़ा धना डालने के बाद मैंने इसमें डाली है हींग। हींग डाल दी है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिली जो मैंने कट करके रखी हुई थी। ग्रीन चिली डालने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही हमारी ग्रीन चिली अच्छे से हो जाएंगी उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी हरी मिर्च हो गई थी उसके बाद मैंने जो दाल थी, फूली हुई दाल थी, उसको डाल दिया है। और जो गैस की फ्लेम है वो मैंने लो टू मीडियम रखी हुई है, और इसे अच्छी तरह से चला रही हूँ। आप यदि चाहें तो दाल को एक बार मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो खड़ी दाल होती है ना उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए मैंने उसे ग्राइंड नहीं की है। ये देखिए, हम अच्छी तरह से उसे चला के भूंज लेंगे जिसमें कि दाल का जो कच्चापन है वो पूरी तरह से चला जाए। देखिए, मैं दाल को अच्छे से चला रही हूँ, और जो गैस की फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है, अदरवाइज़ हमारी दाल जल जाएगी और कच्ची रह जाएगी। मैं अच्छी तरह से चला रही हूँ दाल को, और चलाते रहना, करीब आपको 2 से 3 मिनट के लिए चलाना है। उसके बाद हमारी दाल हो जाएगी, उसके बाद वो बेसन और मसालों के साथ और पकेगी। और यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने लाइक नहीं किया हमारी चैनल को, तो जाके हमारी चैनल को क्या करना है, आपको लाइक करना है और नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर दबाना है जिससे कि हमें नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बाद मैंने डाला हुआ है इसमें सॉल्ट, सॉल्ट डाल दिया है। सॉल्ट डालने के बाद हम फिर से इसे चलाएंगे जिसमें कि जो हमारा सॉल्ट है वो दाल में अच्छी तरह से मिल जाए। देखिए, हमारी जो दाल है वो हल्की सी हो गई है। अब इसमें जो हमने मसाले लिए हुए थे, सारे मसाले हम इकट्ठे डाल देंगे। आप अलग अलग करके भी डाल सकते हैं। मैंने सारे स्पाइसेस इसमें डाल दिए हैं, और इसके बाद मैं
आधा मिनट के लिए उन सारे स्पाइसेस को दाल के साथ भूंजूंगी, जिससे कि जो हमारे स्पाइसेस है वो काफ़ी जल जाए, काफ़ी अच्छे से भुन जाए। इसके बाद हमने क्या किया है, इसमें बेसन डाल दिया है। जी हाँ, ग्राम फ्लोर जो हमने लिया हुआ था वो बेसन हमने डाल दिया है। इसके बाद हम अच्छी तरह से इसको चलाएंगे। अभी भी जो हमारा कचौड़ी का मिक्सचर है वो रेडी नहीं हुआ है, अभी हमें बेसन के साथ भी दाल को अच्छी तरह से पकाना है। ये देखिए, जो हमें ना गैस की फ्लेम को मीडियम कर लिया है और बीच में हम इसे क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे, जिससे कि हमारी जो कचौड़ी का बेसन है वो अच्छे से बन जाए। जो हमारा बेसन है वो भी भुनना स्टार्ट हो गया है, ऊपर तक फूल के आने लगा है, लेकिन अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे कर देंगे, अदरवाइज़ बेसन जल सकता है। अब ये देखिए, हम अच्छी तरह से चला रहे हैं। अब करीब मुझे चलाते चलाते 2 मिनट हो गए हैं, नीचे से भी तेल छोड़ने लगा है जो हमारा मसाला है, इसका मतलब हमारा मसाला अब होने लगा है। लेकिन मैं अभी भी इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए भूंजूंगी, क्योंकि इसमें मैंने दाल और बेसन को कच्चा ही यूज़ किया हुआ था। दोनों चीज़ को ही भूंजना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए और भूंजूंगी। ये देखिए, मैं इसे अच्छी तरह से भूंजती जा रही हूँ और जो हमारा मसाला है वो इकट्ठा होने लगा है और कढ़ाई भी तेल छोड़ दिया। अब इसमें मैं डालूंगी लेमन, ये लेमन का एक बीज निकल गया, गिर गया था तो मैंने उसे हटा दिया था। अब देखिए, मैं उसे अच्छी तरह से चलाऊंगी, जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से खुशबू आने लगी है भुंजने की और कलर भी चेंज हो गया है हमारे मसाले का भुंजते भुंजते। तब भी मैं इसे बंद नहीं करूँगी, अभी इसको और चलाऊँगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा लेमन और ऐड करूँगी, जो एक्स्ट्रा बीजे इसमें आ गए हैं मैं उन सारे बीजों को हटा दूँगी और लेमन जूस को हमारा जो कचौड़ी के अंदर की फिलिंग है उसमें डाल दूँगी। अच्छी तरह से मैं चलाती जा रही हूँ, ये देखिए मैंने चलाती जा रही हूँ। और आप हमें बताइए कमेंट करके कि आप और कौन सी जो रेसिपी है वो देखना चाहते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाला हुआ है सौंफ, जी हाँ मैंने सौंफ अभी डाला है, जिससे कि अभी जो सौंफ हमारी मसाले के साथ और बेसन के साथ भुंजेगी तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है बहुत सारा कोरिएंडर लीव्स, जी हाँ धनिया पत्ता डाला हुआ है, जिससे कि काफ़ी अच्छा फ्रेश फ्लेवर आए। और मैं इसे और अच्छी तरह से चलाऊँगी। ये लगभग हमारा जो मसाला है वो हो चुका है, ये देखिए तेल भी छोड़ दिया है हमारे मसाले ने। अब हम कचौड़ी की फिलिंग करेंगे। ये जो आटा है मैं इसे एक बार और अच्छे से घोट लूँगी, मसल लूँ के चिकना कर लूँगी। ये देखिए मैंने मसल के अच्छी तरह से चिकना कर लिया है आटा, और ये जो हमारा आटा है वो काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी अच्छा लगा है, जिस तरीके का कचौड़ी के लिए होना चाहिए। अब मैं इसका एक पोर्शन, लोई का पोर्शन तोड़ लूँगी आटे का। इसके बाद मैं इसे हाथ से गोल करूँगी, आप बेलन की हेल्प से भी इसे बेल रोल कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही बना के आपको दिखाऊंगी, काफ़ी इजी है। और देखिए हमारी कचौड़ी वो कितनी अच्छे से फूलेंगी, लगेगा ही नहीं कि आपने कचौड़ी घर पे बनाई है। ये देखिए, जो हमारा मसाला है वो ठंडा हो चुका है, कचौड़ी के अंदर की फिलिंग मैंने थोड़ा सा लिया है, करीब 2 चम्मच हमने मसाला लिया हुआ है। आप स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने हाथ का यूज़ किया है। और इसको अच्छे से दबा के मैं अंदर की तरफ प्रेस करके इसे अच्छे से हल्के हाथों से दबाती जाऊंगी, जिस तरीके से हम आलू का पराठा बनाने के लिए मसाले को अंदर फिल करते हैं ना, उस तरीके से। ये देखिए, उसके बाद मैं इसे और गोल कर दूंगी, जिससे कि जो हमारा एक्स्ट्रा आटा था वो भी उसी में एडजस्ट हो जाए। आप इसके बाद भी बेल सकते हैं, लेकिन मैंने उसे हाथ से ही दबा दबा के अच्छी तरह से चपटा कर लिया। ये देखिए, और जो हमारा बेसन है वो, जो हमारा आटा है वो अच्छी तरह से हो गया। ऐसा कहीं भी नहीं है कि एक तरफ ज़्यादा आटा है और एक तरफ कम आटा है। ये देखिए, इसी तरीके से सेम प्रोसेस से मैं दूसरी कचौड़ी के लिए भी आटे का पोर्शन ले लूँगी। आप अलग से भी सेम साइज़ के पोर्शन काट के रख सकते हैं, उसे मैं हाथ से चौड़ा करूँगी। आप थोड़ा सा, अगर आपका आटा गीला लगे तो आप थोड़ा बर्तन का भी यूज़ कर सकते हैं डस्टिंग के लिए आटे की लोई पर। मैंने उसे अच्छी तरह से, ये जो मैं प्रोसेस दिखा रही हूँ आप इस तरीके से बना के देखिए, आपकी एक भी कचौड़ी नहीं फूटेगी और गारंटी के साथ आपकी सारी कचौड़ी फूलेंगी। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसे फिल दबा दबा के प्रेस कर करके फिल कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा आटा, अगर वैसे मेरा एक्स्ट्रा आटा निकला ही नहीं, क्योंकि मैंने लोई का पोर्शन ही छोटा लिया हुआ था, अगर आपका निकले तो आप उसे भी एक्स्ट्रा आटे को हटा सकते हैं। ये देखिए, मैंने उसे लोई की तरह रोल कर लिया है और फिर उसे मैंने हाथों के हेल्प से प्रेस कर लिया है। आप रोलर की हेल्प से, बेलन की हेल्प से उसे बेल भी सकते हैं। मैंने देखी सेम प्रोसेस से आपके सामने विदाउट एडिटिंग के, विदाउट कटिंग के पूरी जो कचौड़ी है वो फिल करके बताई है। ये देखिए, सेम प्रोसेस से मैं 3 और बाकी की सारी कचौड़ी को फिल करके रख लूँगी। यदि आप कचौड़ी सेकने चाहें तो मैं आपको एक सलाह दूँगी कि आप पहले ही कचौड़ी फिल करके रख लीजिए,
या फिर जब आप कढ़ाई में कचौड़ी डालेंगे एक साथ दो या तीन, तब आप जो आपके पास बीच का टाइम होगा तब आप फिल कर लीजिए। मैं तो पहले ही सारी कचौड़ी को फिल करके रख लेती हूँ, जिसमें बस सेकने का काम बस रह जाए। ये देखिए मैंने सारी तीन कचौड़ी बना ली। अब मैं इन कचौड़ियों को आपको सेक के बताऊँगी। ये देखिए मेरी कचौड़ी बन के रेडी हैं। अब मैं इन्हें बना के एक साथ मैंने लाइन पे रख दी हैं। अब मैं कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है और जो तेल है वो गरम हो चुका है। गैस की फ्लेम, जैसे ही तेल गरम हो गया था मैंने जो गैस की फ्लेम है उसे स्लो कर दी है, क्योंकि आप अगर कचौड़ी को, खस्ता को स्लो फ्लेम पे, आप गैस की स्लो फ्लेम पे आप क्या करेंगे, सेकेंगे तो काफ़ी अच्छी फूलेंगी और अच्छी खस्ता बनेंगी। ये देखिए मैंने डाल दी थी कचौड़ी और जो मेरी गैस की फ्लेम है वो पहले मैंने अच्छे तेल को गरम कर लिया था, जो हमारी फ्राइंग पोजीशन होती है उस कंसिस्टेंसी तक का मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को स्लो कर लिया है और एक तरफ से मैंने कचौड़ी को पलट दिया। ये देखिए जो मेरी कचौड़ी कितनी अच्छी पूड़ी की तरह फूल गई है ना, खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती हैं आपको ये कचौड़ी। आप एक बार बनाइए, आप बाहर की कचौड़ी खाना भूल जाएंगे। जी हाँ, ये देखिए मैंने जो है इनको, कचौड़ी को अच्छे से पलट पलट के सेक लिया है। जो गैस की फ्लेम है वो मेरी अभी भी स्लो है। अब थोड़ी देर बाद जब मेरी कचौड़ी हल्की सी 50-60% सिक जाएंगी, उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर दूंगी। अब जो मेरी कचौड़ियाँ हैं वो 50-60% पक चुकी हैं। अब मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है मीडियम पे और अब उसे पलट पलट के आप अच्छी तरह से चलाइए। ये देखिए जो हमारी कचौड़ी का कलर वो चेंज होना स्टार्ट हो गया, वो हमारी कचौड़ी अच्छी तरह से सिक गई। सेम प्रोसीजर से मैंने जो और भी कचौड़ियाँ बनाई हुई थी, ये थोड़ी मैंने बड़े साइज़ की कचौड़ियाँ बनाई हुई है, उन्हें भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और सेम प्रोसेस से मैं सारी कचौड़ियाँ को सेक लूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी पूड़ी की तरह हमारी कचौड़ियाँ फूली हैं ना, इसी तरह से आपकी भी फूलेंगी। और आप बस एक बात का ध्यान रखिए कि आप जब कचौड़ी को सेकें तो स्लो फ्लेम पे सेकें। हमारी कचौड़ियाँ बनके तैयार हैं, कोई जज भी नहीं कर पाएगा कि ये आटे की कचौड़ी और खाने में काफ़ी टेस्टी लगती हैं ये कचौड़ियाँ। ये देखिए कचौड़ी बनके तैयार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।